दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों हमारा जो ताज़ा अपडेट आया है एनडीटीवी इंडिया का आपका दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी वालों का जो आपका एप्लीकेशन दोस्तों जिनका रद्द हो चुका है उनके मामले में, देखिए यहाँ बताया गया है कि आरआरसी ग्रुप डी उम्मीदवारों के एप्लीकेशन रिजेक्ट होने पर रेलवे के अधिकारियों ने कही यह बात। दोस्तों आपके लिए बताया गया है कि आपका एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। दोस्तों पूरी जानकारी को देख लेते हैं हम लोग विस्तार से। देखिए दोस्तों एक ताज़ा अपडेट है, आप देख सकते हैं डेट और टाइम। यह बताया गया है कि आरआरसी ग्रुप डी के 1 लाख पदों पर लगभग 2 करोड़ उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। लाखों उम्मीदवारों के एप्लीकेशन इनवैलिड फोटो और साइन के चलते रिजेक्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। यह दोस्तों आगे बताया गया है, देखिए पूरा पूरा जानकारी दिया गया है। नई दिल्ली रेलवे ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी के लाखों उम्मीदवारों के फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। रेलवे ने इन एप्लीकेशन फॉर्म आरआरसी एप्लीकेशन फॉर्म के इनवैलिड फोटो और साइन और अन्य किसी प्रकार की गलती पाई गई। दोस्तों आपकी जो इनवैलिड फोटो है और साइन है और दोस्तों कोई कोई फॉर्म में और कोई गलती है यहाँ पर पाई गई है। हालांकि उम्मीदवारों को आरोप है कि रेलवे ने सही फोटो को इनवैलिड बताकर उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। दोस्तों ये हम बहुत से लोगों की बात सुन रहे हैं कि सर हमारा तो सही था लेकिन फिर भी हमारा इनवैलिड बता रहा है, और दोस्तों हमने सही भरा था पहले से फिर भी हमारा गलत बता रहा है, ठीक है। कई उम्मीदवारों ने एनडीटीवी को मेल किया, साथ ही हमने भी कई उम्मीदवारों से संपर्क किया और जाना कि उनके एप्लीकेशन किस कारण रिजेक्ट किए गए हैं, ठीक है। उम्मीदवारों की समस्या पर हमने रेलवे भर्ती बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दोस्तों ये आपके रेलवे भर्ती बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके अंगराज मोहन दोस्तों बातचीत की है। इन्होंने एनडीटीवी इंडिया ने, ठीक है, एनडीटीवी इंडिया ने दोस्तों अंगराज मोहन की जो जो अधिकारी रेलवे के दोस्तों उनसे बातचीत की है इस मामले में। दोस्तों उन्होंने क्या कहा है, देखिए सबसे बड़ी बात है उन्होंने क्या कहा है, अंगराज मोहन ने क्या कहा है। एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के संबंध में हमें कई उम्मीदवारों के मेल मिले हैं, ठीक है। दोस्तों ये अंगराज मोहन ने कहा है कि हमें कई उम्मीदवार मेल कर रहे हैं और बोर्ड के चेयरमैन और वरिष्ठ अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके दोस्तों जो बोर्ड के अधिकारी हैं और वरिष्ठ अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं, रेलवे की तरफ से अगर हमें कोई गलती पाई गई तो हम इस पर एक्शन लेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ बताया गया है कि रेलवे की अगर गलती होगी तो दोस्तों यहाँ पर रेलवे बोर्ड या फिर रेलवे के अधिकारी दोस्तों इस पर आपकी एक्शन लेंगे, ठीक है। आगे बता दें कि नए कई उम्मीदवारों का कहना है कि उनके एप्लीकेशन फॉर्म में जो फोटो लगी है उस फोटो का इस्तेमाल भी दूसरी परीक्षाओं के एप्लीकेशन फॉर्म में को भरने में भी कर चुके हैं। जहाँ दूसरे फॉर्म आसानी से सबमिट हो गए वही रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ा यहाँ अपडेट आया है कि आपके यहाँ पर अधिकारी दोस्तों यहाँ पर जांच कर रहे हैं आपकी। दोस्तों यहाँ पर अगर गलती रियल में पाई जाती है तो आपका है दोस्तों यहाँ पर फॉर्म में सुधार करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए आपको लिंक एक्टिव कर दी जाएगी। देखिए यहाँ कहा गया है कि अधिकतर उम्मीदवारों का एप्लीकेशन फॉर्म इनवैलिड फोटो के चलते रिजेक्ट हुए हैं, साथ ही कई उम्मीदवार भी ऐसे हैं जिनका फॉर्म डुप्लीकेट बताकर रिजेक्ट कर दिया गया है। उम्मीदवारों का कहना है कि लाखों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, उन्हें फॉर्म में सुधार करने के लिए मौका मिलना चाहिए। उम्मीदवार चाहते हैं कि रेलवे एप्लीकेशन फॉर्म को मॉडिफाई करने का लिंक एक्टिव कर दे। दोस्तों आपके लिए फिर से यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं कि आपके यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर रेलवे फिर से आपको मॉडिफाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पर सोच रहा है। अगर उसकी गलती पाई जाती है रेलवे की दोस्तों निश्चित ही आपको यहाँ पर आपको लिंक एक्टिव कर दी जाएगी। दोस्तों आप सभी के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।